माता की, भारत माता की। देख सकते हैं विकास आज बोल रहा है, ये सभी मोदी जी के कारण। और गरीब कल्याणकारी योजनाओं की बात तो क्या करना, कांग्रेस ने 1970 में नारा दिया था गरीबी हटाओ का, गरीबी हटाओ। बहनों और भाइयों, गरीबी तो नहीं हटी, हां एक वे एक परिवार को देश के संसाधनों को लूटने की पूरी छूट मिल गई थी, पूरी छूट मिल गई थी। चाहे वह परिवार दिल्ली में रहा हो, चाहे वह परिवार सिपाही का रहा हो, ये लूटते थे, अराजकता फैलाते थे। और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने तो जब प्रधानमंत्री थे उस समय उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, तो हमारा दलित कहां जाएगा, पिछड़ा कहां जाएगा, एक खड़गवंशी कहां जाएगा, पाल कहां जाएगा, सैनी कहां जाएगा, गरीब कहां जाएगा, किसान कहां जाएगा, माताएं और बहनें कहां जाएंगी, नौजवान कहां जाएंगे। देश के अंदर कांग्रेस जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बांटती रही, गरीब भूखों मरता रहा, किसान आत्महत्या करता रहा, नौजवान पलायन करता रहा। और एक कांग्रेसी और उनके सहयोगी दलों को आज जो इंडी गठबंधन के रूप में आपके पास आए हैं, बहनों और भाइयों, ये देश के साथ गद्दारी किए हैं। और फिर गद्दारी करने के लिए अपने झूठे घोषणा पत्र के साथ आपके पास आए हैं। आज कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है उसको आप देखेंगे क्या कहते हैं, कहते हैं देश हमारी अगर सरकार बनी तो हम शरिया कानून लागू कर देंगे। आप बताओ ये देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान से चलेगा या किसी शरीयत से चलेगा? भारत संविधान से चलेगा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान से भारत चलेगा, न कि किसी शरीय कानून से। कांग्रेस के लोग अपने घोषणा पत्र में इस बात की चर्चा करते हैं कि हम व्यक्तिगत कानून को लागू करेंगे, यानी शरिया कानून लागू करेंगे, क्योंकि मोदी जी ने तीन तलाक की कुप्रथा को लागू रोक दिया, पूरी तरह रोक लगा दी, उस पर लगाम लगा दी। और उसको कहते हैं कि हम फिर से व्यक्तिगत कानून पुनर्बहाल करेंगे, ये लोग शरिया कानून लागू करेंगे। और कहते हैं कि हम लोग जनता की प्रॉपर्टी को हत्या करके ले करके उसके माध्यम से फिर उसका बंदर बांट करेंगे। बहनों और भाइयों, क्या आप कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को अपनी संपत्ति पर डकैती डालने की छूट देना चाहते हैं क्या? अरे आपके बाप दादों ने कमा करके संपत्ति रखी है, देखो ना इन बेश्रमों की हालत। एक तरफ आपकी संपत्ति पर इनकी कुदृष्टि है और दूसरी तरफ माफिया और अपराधियों को अपने गले का हार बना करके कैसे उनके नाम पर फतिया पड़ रहे हैं, आपने देखा होगा इनके हाल को, देखा है ना, देखा है ना।